है एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई होप एल आर डूइंग ग्रेट आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मैं गणेश पूजा स्पेशल एक बहुत ही खूबसूरत सा पूजा चौकी जो कि बहुत ईजी है और बहुत ही कम समय बन के तैयार हो जाएगा तो फिर चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक केक का बेस ले ली हूँ और इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ था उसको पहले मैं हटा दूँगी और इसके ऊपर बेस कोट के लिए मैं यहाँ पर एक्रेलिक व्हाइट का यूज़ करूँगी आप चाहें तो जेसो का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको जो पसंद है कलर आप वो यूज़ कर सकते हैं उसके बाद उसको लेग बनाने के लिए मैं यहाँ पर टिश्यू पेपर में जो रोल्स आता है ना खाली वाला जो रोल ये बच गया था तो उसको मैं यहाँ पर लेग बनाने के लिए यहाँ पर टुकड़ों में काट ली हूँ और इसको भी मैं एक्रेलिक पेंट के हेलमें से अच्छे से पेंट कर लूँगी और इसको मैं कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी ये जब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा मैं इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा एक टेरा कलर यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी कलर एकदम आपके ऊपर है आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह से ब्रश की हेल्प में से डाल रही हूँ कलर आप चाहे तो स्पॉन्चर की हेल्प में से यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर बता दूँ अगर आप कोई बोलेंगे ये यूज़ किया हुआ केक का बेस है आप इसको कैसे पूजा में यूज कर सकते हैं लेकिन देखिए मैं इसको पूजा में यूज़ नहीं करने वाली हूँ इसको बस आपको एक एज ए रेफरेंस मैं आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप चाहे तो प्लाईवुड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्डबोर्ड के हेल्प में से भी इसी टाइप का पूजा चौकी बना सकते हैं तो मैं बस आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ बस आपके ऊपर है आप कौन से सामान यूज करके ये पूजा चौकी बनाएंगे तो अभी ले के ऊपर मैं यहाँ पर गोटा पत्ती लेस को देखिए कुछ इस तरीके से अच्छे से स्टिक कर लूँगी आपके पास जो टाइप का लेस है आप उसका यूज़ कर सकते हैं अभी मैं ये जो कार्डबोर्ड का जो बेस था उसके ऊपर भी चारों तरफ बॉर्डर यहाँ पर लगा लूंगी ये गोटा पत्ती लेस के हेल्प में से अगर आपके पास इस टाइप का पत्ती लेस नहीं है तो बाज़ार में बहुत सारे मतलब वैरायटी में मिल जाता है आप वो ले करके यूज़ कर सकते हैं देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना रही हूँ अभी मैं वाइट एक्रिलिक कलर के हेल्प में से कुछ पेंटिंग्स करूँगी एकदम फ्री हैंड पेंटिंग्स है मुझे जो आता है मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपके पसंद मुताबिक आप बना सकते हैं या फिर आप यहाँ पर मिरर वर्क भी कर सकते हैं एकदम आपके ऊपर है आपको अगर पेंटिंग वगैरह नहीं आता है तो डायरेक्ट आप मिरर का भी स्टिक कर सकते हैं बहुत ही इजी वाला मैं यहाँ पर जो पैटर्न है बना रही हूँ देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल है इसको आप कोई भी बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं ऐसे ही करते हैं मैं चारों तरफ अच्छे से पेंट कर लूँगी अभी हमारा जो लेग हम बना के रखे थे उसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से पेंट कर लूँगी यही सेम एक्रेलिक कलर के हेल्प में से आप चाहे तो चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं बताई हूँ बहुत ही बेसिक सा जो पैटर्न है मैं यहाँ पर ड्रॉ करी हूँ देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल है तो आ, मतलब ऑनलाइन में आप लोगों को बहुत सारा पैटर्न मिल जाएगा आप उसमें से भी ले सकते हैं अभी हमारा ये बन के तैयार हो चुका है अभी सेंटर में मुझे थोड़ा थोड़ा खाली दिख रहा था तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा एक राउंड शेप यहाँ पर पहले बना ली हूँ और उसके चारों तरफ आ, मतलब बहुत बेसिक सा फूल यहाँ पर बना रही हूँ आप इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर दूसरा कुछ भी डिजाइन वगैरह आप बना सकते हैं तो ऐसे ही करते हैं हमारा दोनों जो हमारा रेडी हो चुका है बेस और लेग अभी इसको मैं आपस में स्टिक करने के लिए यूज करूँगी गन आप चाहे तो इसके बदले फेबिकॉल या फिर फेबी बॉन्ड का भी यूज कर सकते हैं फेबी बॉन्ड एक बहुत ही अच्छा सा ग्लू है आप उसका जरूर से एक बार यूज़ कीजिए और मुझे आपका फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए तो ऐसे ही करते मैं चारों लेग को अच्छे से स्टिक कर लूँगी चारों तरफ और जब हॉट ग्लू गन के साथ आप जब काम करते हैं तो बहुत ही ध्यान से काम कीजिए बहुत ही गर्म रहता है तो आपका हाथ जलने का भी चांसेस है अभी हमारा ये बन चुका है ये वाला जो पूजा चौकी देखिए कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है मुझे तो बहुत ही पसंद आया आप जरूर से एक बार ट्राई कीजिए प्लाईवुड या फिर कार्डबोर्ड आपके घर में जो होगा तो मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास एक एम का गणपति जी का ये था स्टैचू था मैं इसको यहाँ पर रख के दिखा रही हूँ तो फिर आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना मिलते हैं अगले वीडियो में टिल टेलीन टेकरेंट बाय